हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दिसंबर का महीना तो शुरू हो चुका है और ये सही वक्त है मैरीगोल्ड जैसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरे गार्डन में जितने सारे मैरीगोल्ड के प्लांट हैं उसके खाद के बारे में। मतलब अभी इस वक्त अगर आप मैरीगोल्ड के प्लांट को ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं तो उसे अभी आप कौन सी खाद दे ताकि आपके प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आए, मतलब बर्ड्स आए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो। तो जैसे कि आप देखिए, मेरे सभी प्लांट्स कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है और सभी प्लांट का ग्रोथ एकदम अच्छा है। मतलब किसी भी प्लांट पे किसी प्रकार पेस्ट या फिर फंगल इन्फेक्शंस नहीं है। सभी प्लांट पे मेरे सामने के साइड पे जितने सारे इनका वेराइटी है सभी में ही फ्लावरिंग शुरू हो चुका है और बहुत सारे बर्ड्स भी है प्लांट पे। और कुछ प्लांट मेरे पीछे के साइड पे है जो मैं हाल ही में ही लास्ट एक दिन पहले ही ग्रो किया हूँ। तो इन सभी प्लांट को मैं कटिंग से ग्रो नहीं किया था, इन सब प्लांट को मैं नर्सरी से छोटे से प्लांट को खरीद कर लाया हूँ। और मैं शायद एक महीना ही हुआ होगा मेरे प्लांट का और मेरे प्लांट पे देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। तो इसके लिए मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया हूँ पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं इसके लिए सॉयल, सैंड और कंपोस्ट की मात्रा को मैं समान मात्रा पे रख कर इसके लिए पॉटिंग मिक्स रेडी किया हूँ। और कंपोस्ट में मैं काउडंग का इस्तेमाल किया हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं नीम डस्ट का भी इस्तेमाल किया हूँ। इसके वजह से मेरे प्लांट का ग्रोथ और देखिए इसमें किसी प्रकार फंगल इन्फेक्शंस नहीं है। क्योंकि किसी भी विंटर सीजन प्लांट पे अगर आप थोड़ी बहुत नीम डस्ट ऐड करते हो 10 ग्राम के आसपास तो आपके प्लांट पे कभी भी फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। नीम डस्ट फंगल इन्फेक्शन से प्लांट्स को बचाता है और ऊपर से खाद का भी काम करता है। तो आप किसी भी विंटर सीजन वाले प्लांट्स को ग्रो करने से पहले पॉटिंग मिक्स के साथ नीम डस्ट ऐड जरूर यूज़ कीजिए, इससे आपके प्लांट पे कभी भी फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो मेरे जो पुराने प्लांट है उसको मैं पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद एक बार लास्ट 10 या 15 दिन पहले काउडंग का इस्तेमाल कर चुका हूँ। जैसे कि आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर, आप देखिए काउडंग का मैं इस्तेमाल किया था शायद 10 या 12 दिन पहले। तो अभी मैं इस समय किसी और खाद का इस्तेमाल करूँगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन से खाद का इस्तेमाल मैं अभी कर रहा हूँ। मैं कल इसे वाटरिंग नहीं किया हूँ क्योंकि खाद देने से पहले मैं थोड़ी सी गुड़ाई करूंगा और गुड़ाई करने के बाद मैं खाद का इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद ही मैं इसमें वाटरिंग कर दूंगा बहुत ही अच्छे से। तो लास्ट टाइम मैं तो काउडंग इस्तेमाल किया हूं, अभी मैं इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उससे पहले करना पड़ेगा थोड़ी सी गुड़ाई और गुड़ाई करने के बाद ही मैं खाद इस्तेमाल करूंगा। तो सभी पॉट के अंदर मैं 1 इंच के आसपास गुड़ाई करके खाद इस्तेमाल करूंगा। गुड़ाई करना बहुत ही अच्छा होता है किसी भी प्लांट्स पे, इसे पॉट के अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है, रूट्स के डेवलपमेंट अच्छा होता है और प्लांट्स का ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो आप भी किसी भी सीजनल प्लांट्स को एटलीस्ट 15 से 20 दिन के अंतराल पे एक बार गुड़ाई जरूर कीजिए जब आप खाद इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं जिस कैरी बैग के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया हूँ वो सभी 8 से 10 इंच का है। ये ग्रो बैग है, इससे प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही आसानी होती है क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं। और क्योंकि ये सीजनल प्लांट्स हैं तो इसलिए मैं कैरी बैग के अंदर ही किसी भी सीजनल प्लांट्स को ग्रो करता हूँ। क्योंकि किसी भी सीजनल प्लांट्स हो वो अप्रैल के बाद फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो जब इसके फ्लावरिंग ख़त्म हो जाते हैं तब मैं प्लांट्स को निकाल कर पॉट से मिट्टी को निकाल कर एक जगह पे इकट्ठा करके रख देता हूँ और दोबारा अगले साल के लिए मैं कैरी बैग को अलग करके रख देता हूँ। इससे आप 3 से 4 साल तक कैरी बैग को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो गुड़ाई हो गया कंप्लीट, अब मैं यूज़ करूँगा खाद, वो भी इनऑर्गेनिक। तो मैं सीजनल प्लांट्स को हमेशा इनऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करता हूँ एक बार महीने में, वो है DAP और पोटास का मिक्स। इसके अलावा आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होते हैं। तो मैं 10 से 12 इंच पॉट के लिए 1 टीस्पून यूज़ करता हूँ और क्योंकि मेरे ये प्लांट 8 इंच और 10 इंच है तो इसलिए मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रहा हूँ।
और यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अगर आपके प्लांट एक महीने के ऊपर हो चुका है तो ही आप इस खाद का इस्तेमाल किया कीजिए। जैसे कि मैं मेरे जो नए प्लांट्स है उस पर अभी इस खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरे जो पुराने प्लांट्स है जिसका एक महीने के ऊपर हो चुका है उसी प्लांट्स पे ही मैं सिर्फ इस खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट, अब मैं बहुत ही अच्छे से इसको वाटरिंग कर दूंगा और मेरे सभी प्लांट्स अभी फुल सनलाइट पे है। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, आप अगर नर्सरी से छोटे से प्लांट्स को खरीद कर लाते हो तो उसको आप एटलीस्ट 7 दिन तक थोड़ी सी शेड वाले जगह पर रखिए, जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आता हो, मतलब 1 से 2 घंटे के लिए आता हो तो बढ़िया है इस प्लांट के लिए। तो मैं अभी मेरे प्लांट को सभी प्लांट को फुल सनलाइट पे लेके रखा हूँ और मेरे प्लांट पे जैसे कि देखिए अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर एक छोटी सी जानकारी कि कौन से खाद आप अभी इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में। इसके नेक्स्ट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा बहुत ही जल्दी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।